हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राउंड कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये हमने अस्तर वाले कपड़े पर पहले बैक पार्ट कट कर लिया है। इसकी डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो वो निकाल कर आप पहले अस्तर वाले कपड़े पर बैक पार्ट की कटिंग कर लें और उसके बाद में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट सबसे पहले हम पेपर पर कट करेंगे, उसके बाद में हम फैब्रिक पर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड से पेपर को सीधा कट कर लेते हैं। ये ब्लाउज हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो सबसे पहले हुकाई की पट्टी के लिए हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमने बैक पार्ट कट करा है उसे हम इस लाइन पर बराबर से मिला के रखेंगे और बैक पार्ट को हम यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फ्रेंच कर्व स्केल से यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर की तरफ से भी हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और इस निशान से 2 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर टक्स पॉइंट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 2 इंच नीचे की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को भी हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब यहाँ से हम ये जो मार्जिन वाली लाइन है यहाँ पर इंच टेप को ऐसे रखेंगे और 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे वाली लाइन पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब ऊपर वाले पॉइंट को हम लाइन ड्रॉ करके नीचे वाले पॉइंट से मिला देते हैं। अब यहाँ से हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे, तो 3 इंच की हम डार्ट रख रहे हैं, तो ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन को हम नीचे की तरफ सीधा खींच देते हैं, तो यहाँ पर 3 इंच चौड़ी हमने डार्ट ली है, तो यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर वाली लाइन को नीचे की तरफ सीधा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इंच टेप को ऊपर वाले कॉर्नर से आगे की तरफ घुमाते हुए 2.5 इंच पर बराबर से निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस गोलाई को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो ये हमने डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट हमारे पास हो गया, 9 इंच और 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से ये हमारे पास है 2.5 इंच, तो इंच टेप को उठाकर यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच पर और कमर का 4th भाग हो गया हमारे पास 7.5 इंच, 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। इस तरह से ये हमने कमर के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब फिटिंग वाली लाइन को और मार्जिन वाली लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व स्केल से हम यहाँ पर इस तरह से बेल्ट की शेप ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी हल्की गोलाई दे सकते हैं, इस साइड से भी हम फ्रेंच कर्व स्केल से इसे गोलाई दे देंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो फिटिंग वाली लाइन पर 2 इंच पर निशान लगाया था उससे हम इसे मिला देते हैं और पहले जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसको हमने कैंसिल कर दिया है। गले की गहराई हम रख रहे हैं 6.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच चौड़ा हम गला ले रहे हैं और यहाँ से गले की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जो भी आप शेप रखना चाहें वो आप ड्रॉ कर लें। अब हम इसे कट कर लेते हैं। डार्ट वाली मार्किंग पर हम कट लगाकर निशान लगा लेते हैं जिससे कि फैब्रिक पर मार्किंग करने में आसानी रहे। यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब बेल्ट का ये वाला जो पार्ट है इसे हमें कट करके निकालना है
जो डार्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ से इस पार्ट को हम कट करके निकाल देते हैं और इसे हम टेप से चिपका लेते हैं। तो ये हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। अब हम इसे फैब्रिक पर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर इसे कट कर रहे हैं। तो अस्तर वाले कपड़े पर हमने इस ड्राफ्ट को थोड़ा सा तिरछा करके रखा है। इसे हम एज इट इज पहले मार्क कर लेते हैं। ये हमने इसे मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम डार्ट के लिए भी निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट के साथ में इसे स्टिच करना है। डार्ट वाले निशान पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेते हैं और बेल्ट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं। इस साइड से भी हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब बेल्ट वाले पार्ट को हम रखेंगे और इसे हम एज इट इज़ मार्क कर लेते हैं और अब हम इसे कट कर लेते हैं। दूसरी साइड भी हम डार्ट के लिए मार्किंग उठा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड डार्ट की मार्किंग कर ली है। ये हमने बैक पार्ट को मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर वाले कपड़े से मैन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं, इसे बाद में हम इवनली कट कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मैन फैब्रिक का सीधा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इस पर हमें अस्तर वाला पार्ट इस तरह से रखना है। सबसे पहले हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि गले को हम पलट के बना रहे हैं। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। गले पर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं। अब गले पर हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। अब इस पर बाहर की तरफ से भी हम सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट को हमें इस तरह से मैन फैब्रिक पर रखना है। नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर दोनों पर जोड़ लगा लेते हैं। अब इसे ऐसे पलटकर अस्तर वाले साइड हमें सिलाई लगानी है। अब ऐसे फोल्ड करके इस पर हम बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम बेल्ट को अपर पार्ट के साथ में स्टिच करेंगे। दूसरा पीस भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं।
अब हम हुक और आई पट्टी बना लेते हैं। ये हमने हुक और आई पट्टी भी बना ली है। ये हमने राउंड कट बेल्ट ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।